हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। और यहाँ पे है पेपर नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस की हिट लिस्ट नंबर 1। हिट लिस्ट नंबर 1 इन द सेंस कि जो इसका पेपर नंबर 8 का सेक्शन ए है। सेक्शन ए की हिट लिस्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है एंड दिस इज हिट लिस्ट नंबर 1 ऑफ सेक्शन बी। सो जो सेक्शन बी है इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस, इसकी हिट लिस्ट नंबर 1 है। एक और हिट लिस्ट सेक्शन बी की अपलोड की जाएगी, मीन्स हिट लिस्ट नंबर 2। सो हिट लिस्ट नंबर 1 में हमने कवर कर रखा है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसको। सो चैप्टर नंबर 1 में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर आपको करके जाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, प्लस आप अपनी भी तैयारी एक्स्ट्रा इसके अलावा रखिएगा, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएं। इनके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रेफरेंसेस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, प्लस आपकी तैयारी पूरे सिलेबस की होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें आपको सबसे पहले चलना है पेज नंबर 1.7। सो वी विल गो ऑन पेज नंबर 1.7 और यहाँ पे आपको पढ़ना है पॉइंट नंबर 1.3.3 एंड ये जीएनपी। सो जीएनपी प्लस और भी जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप तैयार कर लीजिएगा। फॉर्मूला के बारे में कुछ लिखने के लिए आ सकता है, अदरवाइज इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है लिखने के लिए। देन वी हैव टू गो ऑन पेज नंबर 1.14। सो पेज नंबर 1.14, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड आपको ये तैयार करना है। देन वी हैव टू गो ऑन पेज नंबर 1.15, जस्ट नेक्स्ट वाला पेज, एंड हियर वी हैव टू गो ऑन पॉइंट नंबर 1.4.3। सो ये है इनकम मेथड। देन जस्ट नेक्स्ट वाला पेज 1.16 एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड। सो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, प्लस इसके अलावा आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, मीन्स आपको पूरा कोर्स तैयार करना है, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा इन क्वेश्चन पे फोकस करना है। नेक्स्ट इज यूनिट 2, इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का यूनिट 2 एंड दिस इज इसमें आपको जाना है पेज नंबर 1.36 पर आप चलिए एंड पॉइंट इज 2.2। सो पेज नंबर 1.36 पे हम चलते हैं एंड पॉइंट नंबर 2.2। सो दिस इज सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल टू सेक्टर मॉडल। सो ये आपको पढ़ना है। देन वी हैव टू गो ऑन पेज नंबर 1.38 और इसमें आपको करना है 2.3, ये वाला द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन टू सेक्टर मॉडल। देन वी हैव टू गो ऑन पेज नंबर 1.51। सो पेज नंबर 1.51 पे हम चलते हैं एंड हियर वी हैव टू गो सो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम थ्री सेक्टर मॉडल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। देन द नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2 और यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस चैप्टर का नाम एंड हियर वी हैव, इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। इसमें यूनिट 1 को हम देखते हैं एंड पेज नंबर 2.3। सो चलते हैं पेज नंबर 2.3 पे, यहाँ पे आपको जाना है 1.2 द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। सो ये पॉइंट आपको ज़रूर तैयार करना है, प्लस वैसे बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, इसमें आप पूरी तैयारी कर लीजिएगा, इसमें तो कहीं से भी आ सकता है। द नेक्स्ट वन इज यूनिट 2। सो यूनिट 2 में हम चलते हैं एंड हियर वी हैव टू गो ऑन पेज नंबर 2.21। सो पेज नंबर 2.21 पे हम चलते हैं और यहाँ पे आपको चलना है 3.2। सो यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज, सो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा हैं। इसमें जो भी इसके पार्ट्स गिवन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये सारे के सारे चीज़ें आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। देन वी हैव टू गो ऑन पेज नंबर 2.29। सो पेज नंबर 2.29 पे हम चलते हैं एंड हियर वी आर ऑन पेज नंबर 2.29 एंड यहाँ पे आपको करना है 2.4.3। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे पूरा सिलेबस तो आपको तैयार करना है, ये पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। देन वी हैव टू गो ऑन यूनिट नंबर 3। सो यूनिट नंबर 3 आपका ये रहा, इसमें आपको ज़्यादा लंबा यूनिट नंबर 3 नहीं है, इसमें कहीं से भी आ सकता है। सो बेटर टू डू ऑल द चैप्टर्स, सो इसको आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। देन द नेक्स्ट इज यूनिट 4। सो ये है फिस्कल पॉलिसी एंड हियर वी हैव टू गो ऑन पेज नंबर 2.76। सो ये रहा पेज नंबर 2.76। पेज नंबर यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4.2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देन पेज नंबर 2.82 पे हम चलते हैं। सो पेज नंबर 2.82 एंड दिस इज 4.5 टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड पेज नंबर 2.88। सो पेज नंबर 2.88 एंड हियर वी हैव 4.7 फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये पॉइंट्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा।
प्लस यहाँ पे जो भी आप ग्राफ देखिएगा, जो भी आपके बुक में ग्राफ बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे ग्राफ भी आप रेडी कर लीजिएगा, बिकॉज ऑल द ग्राफ्स आर इम्पॉर्टेंट और इसमें से कोई ना कोई एक ग्राफ आने के चांसेस हैं। सो ग्राफ आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।